लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होशियारपुर के डीएवी कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी और सैनिक परिवारों के लिए आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीदों का ऋण कोई भी नहीं चुका सकता। पंजाब की धरती को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए पंजाब और होशियारपुर के वीर सैनिकों की कुर्बानियों का देश हमेशा ऋणी रहेगा। इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने 21 ऐसे पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जिनकी तीसरी से लेकर पांचवी पीढ़ी तक देश सेवा में लगी है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर का होशियारपुर के मॉडल टाउन क्लब में सामाजिक संस्थाओं ने नागरिक अभिनंदन किया। शहर की कई संस्थाओं ने उनका स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए। लोकसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना द्वारा सांसद निधि से निर्मित स्वतंत्रता सेनानी फोटो गैलरी का लोकार्पण भी किया। लोकसभा स्पीकर ने जिला सैनिक बोर्ड में शहीदों की चित्र गैलरी का भी लोकार्पण किया। लोकसभा अध्यक्ष ने विजिटर बुक में शहीदों को याद करते हुए हस्ताक्षर भी किए। सबसे ज्यादा शिक्षित जिला शिक्षा के बाद पढ़ी लिखी नई पीढ़ी और उसके बाद आजादी के आंदोलन के लिए हुए शहीदों की सबसे बड़ी धरती और आजादी के बाद देश की रक्षा करने वाली उन वीर सपूतों की धरती को मैं नमन करता हूं। पंजाब का होशियारपुर अपने आप में इस माटी की कर्मस्थली जन्मस्थली, यहां पीढ़ियों से लगातार लोगों को प्रेरणा देगी। आज भी चार चार पीढ़ियों के परिवार के लोग देश की रक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए एक सैनिक और अर्धसैनिक नौजवान यहां पर काम कर रहे हैं। पंजाब अपने आप में ही एक ऐसी धरती है जिसको हम धर्म रक्षा की धरती मानते हैं। गुरु नानक की जन्मस्थली हमने 550वां उत्सव भी मनाया था। ये शहीदों की धरती भी है, धर्म रक्षा की धरती भी है, जहां 574 नौजवानों ने बलिदान दिया। किसी मां की कोख सुनी हुई, कोई बहन विधवा हुई, कोई बच्चे से अपने पिता का साया था, कोई पिता का नौजवान बेटा गया, उसके बाद भी इस धरती के अंदर आज भी चार चार पीढ़ी के लोग देश की रक्षा के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए होशियारपुर की धरती को मैं प्रणाम करता हूं, स्मरण करता हूं। फोटो गैलरी का लोकार्पण करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि चित्रों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में शहीदों के लिए फोटो गैलरी बनाए जाने की आवश्यकता है। अंग्रेजों का शासन आया, मुगलों का शासन आया, लेकिन हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। आज भी दुनिया के अंदर भारत का आध्यात्मिक ज्ञान
हम सबको धर्म रक्षा के लिए, समाज की समर्पण सेवा के लिए दिशा देने का काम करता है। हमारी संस्कृति, हमारा सामाजिक योगदान, हमारा कर्म सब हमें एक दिशा देने का काम करते हैं। और इसी कारण दुनिया के अंदर न भारत की संस्कृति को मिटा सका, न भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को बदल सके। इस समय बस इन शहीदों के परिवारों को याद करते हुए, इस शहादत को याद करते हुए, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से हम देशभक्त राष्ट्रभक्त नौजवान पैदा कर सकें, ये गिलहरी हमको यही याद दिलाती रहेगी। जब आने वाला नौजवान देखेगा कि मेरे जिले में देश की आजादी के लिए इतने शहीद हुए थे, सीमा की रक्षा करते हुए वो 20 साल 21 साल का नौजवान देश रक्षा के लिए शहीद हुए थे, तो ये पीढ़ी हमें स्मरण दिलाएगी, याद दिलाएगी। इसलिए मैं अविनाश राज जी खन्ना साहब को धन्यवाद दूंगा कि जब भी होशियारपुर का नौजवान यहां पर आएगा, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे गांव ढाणी का नौजवान हो, वह इस गिलहरी को देखेगा तो उसमें देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना जागेगी और उसके मन में विचार आएगा कि मेरा भी इस धरती के प्रति कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए, मैं अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए मैं भी समाज को समर्पण सेवा से काम करूं, ये गिलहरी हमेशा स्मरण देती रहेगी। और इसीलिए जब जब भी हम पूर्वजों को कि धर्म रक्षा के लिए, शहीदों के लिए स्मरण करते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी देशभक्त बनती है, राष्ट्रभक्त बनती है। मैं चाहूंगा ये धरती इसी तरीके से ऐसे वीर सपूतों को पैदा करती रहे, जो देश की रक्षा भी करते रहें और नए भारत के निर्माण के लिए अपनी माटी के कर्ज को चुकाते हुए अपना सर्वस्व योगदान इस देश को दें, ताकि होशियारपुर जिला संपूर्ण देश के अंदर एक मार्गदर्शन जिला बन सके कि देशभक्त राष्ट्रभक्त जवानों के समर्पण सेवा को भाव को देखो तो होशियारपुर में जाकर देखो। मैं भी यहाँ पर आकर बहुत गौरवान्वित हुआ। मैं कई कार्यक्रमों में गया, लेकिन आज के कार्यक्रम में जाने के बाद मुझे लगा कि देश के हर जिले के अंदर हम आजादी के लड़ने वाले लोगों को याद करने के लिए इसी तरीके से, और वर्तमान पीढ़ी ने जो देश की रक्षा करते हुए बलिदान दिया उसको याद करते हुए सभी सांसदों को इस तरह से फोटो गैलरी बनाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम देशभक्त राष्ट्रभक्त नौजवान तैयार कर सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंजाब की धरती को प्रणाम करते हुए कहा कि पंजाब भारत का गौरव है। उन्होंने कहा कि पंजाब का नौजवान देश की सरहद की रक्षा करता है, तो यहाँ का किसान बरसों से हरित क्रांति में अपना योगदान दे रहा है। लाला लाजपत राय की यह धरती, जो प्रखर राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने राष्ट्रवाद की सोच को
उस समय देश में जगाने का काम किया तो लाला लाजपत राय को भी आज देश और दुनिया याद करता है। जब जब भी बड़ा कुर्बानी की याद आती है तो निश्चित रूप से जलियांवाला बाग की याद हमेशा स्मरण देती है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने नरसंहार किया और इसीलिए पंजाब की यह धरती सारे देश को स्मरण भी कराती है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देने का काम भी करती है। इस माटी का कर्ज ये देश कभी नहीं भूल सकता और आज भी ये माटी सबसे ज्यादा अन्न पैदा कर खेत में किसान अन्न पैदा करके अन्नदाता के रूप में सेवा कर रहा है, सीमा पर खड़ा जवान देश की रक्षा करने का काम कर रहा है। इस समारोह में होशियारपुर जिले की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि पंजाब का ये जिला शिक्षा में भी अग्रणी है, फौजियों के जिले का देश की आजादी में बड़ा योगदान है। होशियारपुर जिला ओम बिरला जी, ये शहीदों का जिला है, फौजियों का जिला है, सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होशियारपुर लोग से होते हैं। मेरे हलके में 17,000 से ज़्यादा वोटर हैं जो फौज में हैं और बहुत बड़ा योगदान इनका रहता है। आज अविनाश राय खन्ना जी के उद्यम से जो आज जो फ्रीडम फाइटर गैलरी शुरू की गई है, बहुत बढ़िया काम खन्ना जी आपने किया है। आप वैसे भी कोई नया करने में जाने जाते हैं, हमेशा कोई नया ही काम करते हैं, इसलिए आप जाने जाते हो। बहुत अच्छा काम ने आपने शुरू किया है और पंजाब की धरती जो शहीदों की धरती है, जिन्होंने देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान डाला है, सबसे ज़्यादा काले पानी की सजा अंडमान निकोबार में वो पंजाब के लोगों ने की है और सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब के लोगों ने दी है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा कि होशियारपुर जिले के 574 नौजवानों ने शहादत देकर पंजाब, अपने जिले, अपने गांव और अपने परिवार का नाम अमर किया है। उन्होंने उन परिवारों की दिल खोलकर तारीफ की जिनकी 3, 4 और 5 पीढ़ियां लगातार आर्मी ज्वाइन कर देश सेवा कर रही हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि होशियारपुर जिला के आज़ादी गुलाटिए, जिनकी याद में एक फोटो गैलरी का यहाँ पर विधिवत उद्घाटन किया गया है, मैं उनको नमन करता हुआ, उनको प्रणाम करता हुआ मैं अपनी बात आगे रखना चाहता हूँ। यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने शहादत देकर अपने देश को आज़ाद रखा, अपने देश को स्वतंत्र रखा और हम लोग जो ये इतना आज़ादी से रह रहे हैं उनका कारण हमारे वो शहीद हैं जिनके कारण आज हम ये हवा ले रहे हैं, स्वतंत्रता हवा ले रहे हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मुझे इस बात का गर्व है बिरला जी कि होशियारपुर जिला जिसमें 574 हमारे नौजवानों ने शहादत देकर जहाँ अपने ज़िले का, अपनी स्टेट का, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन किया, लेकिन साथ ही साथ ये कड़ी चलती रही जहाँ पर वो परिवार भी आए हैं जिन्होंने 5 पीढ़ियाँ लगातार 4 पीढ़ियाँ लगातार 3 पीढ़ियाँ लगातार इस देश के जाकर वहाँ आर्मी में जाकर उसकी सेवा की है।